भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी बेटी दामाद और एक बड़ी टीम के साथ अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनका स्वागत पीएम मोदी ने बड़े ही धूमधाम के साथ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाकर स्वागत किया। ट्रंप का ये पहला भारत दौरा है। एयरपोर्ट पर ट्रंप फैमिली का पहला लुक भी देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैक कलर के सूट के साथ लेमन येलो कलर की टाई टिमअप की हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने व्हाइट कलर का जंप सूट कैरी किया हुआ था और कमर पर ग्रीन कलर ब्रोकरेज फैब्रिक ग्रीन बेल्ट बांधी हुई थी। वहीं ट्रंप की बेटी इवांका रेड एंड व्हाइट कलर के लॉन्ग वन पीस फ्रॉक में नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति के अहमदाबाद से आगरा और फिर नई दिल्ली पहुंचने का भी कार्यक्रम है। यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करेगा। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप भारत में 3 शहरों का दौरा करेंगे। उनका दौरा अहमदाबाद से शुरू हुआ है और फिर शाम को वो आगरा पहुंचेंगे, जहां पर वो ताजमहल का दीदार करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे को खास बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले के साथ एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक रोड शो किया। रास्ते में इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का नजारा भी देखने को मिला। इस दौरान मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप साबरमती आश्रम पहुंचे। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर सूत की माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दोनों नेता जब यहां पहुंचे तो सूत का सरोपा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साबरमती आश्रम में ट्रंप मेलानिया ने बापू का चरखा चलाया। पीएम मोदी उन्हें इस चरखे की ऐतिहासिकता के बारे में भी बताया। साथ ही ट्रंप ने विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की। यहां मौजूद 1 लाख से अधिक भी भीड़ ने ट्रंप का वेलकम किया। लाखों की भीड़ देख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गदगद हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका दोस्ती के नारे लगवाए और नमस्ते ट्रंप की भी बात कही। अपने स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अमेरिका भारत के रिश्ते ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये धरती गुजरात की है, लेकिन आज पूरे भारत का नजारा दिख रहा है। मोटेरा स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते कहकर की। ट्रंप बोले कि भारत आना एक गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी एक चैंपियन है जो भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं और फर्स्ट लेडी 8000 मील का दौरा कर यहां पहुंचे हैं। अमेरिका हिंदुस्तान का दोस्त है, अमेरिका हिंदुस्तान का सम्मान करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि 5 महीने पहले अमेरिका ने पीएम मोदी का स्वागत किया था। आज हिंदुस्तान हमारा स्वागत कर रहा है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा स्वागत किया। आज से भारत हमारे लिए सबसे अहम दोस्त होगा। पीएम मोदी को आज हर कोई प्यार करता है, लेकिन वो काफी टफ है। आज पीएम मोदी हिंदुस्तान के सबसे प्रमुख नेता है। पिछले साल 60 करोड़ से अधिक लोगों ने मोदी को वोट किया और सबसे बड़ी चुनावी जीत दर्ज करवाई। यहां इसी के साथ एयरपोर्ट पर सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:15 पर ताजमहल के लिए रवाना होंगे। हालांकि सीएम योगी ताजमहल नहीं जाएंगे। ट्रंप करीब 1 घंटे तक ताज का दीदार करेंगे। इसके बाद ट्रंप वापस अमर विलास होटल जाएंगे, जहां से उनका काफिला शाम 6:30 फेरिया एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहाँ ट्रंप का विदाई समारोह होगा। इसके बाद एयरफोर्स वन विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजनगरी आगरा में भी ट्रंप के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। जहां एक तरफ ट्रंप के आगमन को लेकर रंगारंग कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है, तो वहीं शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता किए गए हैं और सीसीटीवी के जरिए पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। वीवीआईपी रूट पर हुआ ट्रैफिक बंद भी कर दिया गया है। राजनगरी आगरा में ट्रंप अपनी बेटी और पत्नी के साथ ताज का दीदार करेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से देश को क्या और कितना फायदा है, इसको देखकर ही उनके स्वागत में पैसा खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हमें वीजा समेत जो अन्य अपेक्षाएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और अमेरिका हमसे जो अपेक्षाएं करता है वो हम पूरी कर नहीं सकते। केंद्रीय मंत्री और सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली में
सैयद राजा महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान ट्रंप के दौरे को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्रंप के आगमन से अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दुनिया में जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा है उसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। रविवार को दिल्ली के मौजपुर और जाफराबाद इलाके में जमकर बवाल हुआ। सीए के विरोध में जहां लोग इकट्ठा हुए तो कपिल मिश्रा की अगुवाई में सीए के समर्थन में लोग जमा भी हो गए। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और नारेबाजी की गई। इस सारे विवाद के बीच बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हम पुलिस को भी नहीं सुनेंगे। अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो हमें रोड पर आना पड़ेगा। संभल पहुंचे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सीएए और एनआरसी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस कानून को किसी भी हाल में ना मानने की बात कही है। शाहीनबाग की तर्ज पर संभल में करीब 27 दिन से चल रहे पक्का बाग में महिलाओं के धरना प्रदर्शन में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पहुंचे जहां उन्होंने सीएए और एनआरसी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। लखनऊ में बीजेपी के नेता श्रीकांत त्यागी को उनकी पत्नी के किसी और महिला के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया गया जिसके बाद नेता की पत्नी ने उस महिला के खिलाफ गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र दिया है। देर रात तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। नेता की पत्नी ने अपने पति और उस महिला के साथ अवैध संबंध बताते हुए थाने में शिकायत की है। पत्नी का आरोप है कि उस महिला ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की है। कानपुर में एक बीजेपी नेता को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामजी शुक्ला और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र मिलने से भाजपा नेता का परिवार दहशत में है। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। घाटमपुर पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। दिल्ली के शाहीनबाग में दो महीने से ज्यादा समय से चल रहे प्रदर्शन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी तक सुनवाई टाल दी है। इसके पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त मध्यस्थ साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े ने बेंच को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद बेंच ने कहा था कि वो इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 26 फरवरी को सुनवाई करेंगे। इन याचिकाओं में दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली अहम सड़क के बंद हो जाने से लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जिसपे सवाल उठे थे। पिछले हफ्ते कोर्ट ने सड़क बंद किए जाने को गलत बताते हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए भी कहा था लेकिन वो प्रदर्शनकारियों को समझा पाने में नाकाम रहे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती दी है। चिन्मयानंद छात्रा से दुराचार के मामले में यूपी की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश 19 सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अहम बैठक लखनऊ में हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए सरकार द्वारा दी गई जमीन लेने के मामले भी सामने आए हैं। सांसद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान पर फर्जी दस्तावेजों रखने के मामले में जमानत मिलने के आज अंतिम सुनवाई होनी है। चार्जशीट रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय पहले ही इनकार कर चुका है। अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शन कर रहे लोग हिंसा पर उतारू हो गए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई है। इस दौरान हुए पथराव के बीच पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। झड़प में दो सब इंस्पेक्टर समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। एहतियात के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 40 नामजद 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कर दिल्ली और अलीगढ़ में हुए बवाल के बाद गाजियाबाद प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां एक और सेंसिटिव इलाकों में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर इलाकों के संभ्रांत इलाकों से बात कर इस कानून को लेकर भी बात कही गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद या अनहोनी न होने पाए। इतना ही नहीं, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और व्यस्तम इलाकों में जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। अलीगढ़ में हुए बवाल के बाद संभल में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस ने अति संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ मार्च निकाला है। 19 और 20 दिसंबर को संभल में CAA के खिलाफ जमकर आगजनी और हिंसा भी हुई है। इसी वजह से संभल को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। झांसी के नए जिलाधिकारी आद्रे वामसी ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। आद्रे वामसी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय का मुआयना भी किया है। इसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जिलाधिकारियों ने फरियादियों की फरियाद भी सुनी है। किसानों की बेहतरी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वहां के किसानों को सरकार ने धान और गन्ने की अच्छी कीमत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर में राष्ट्रीय कृषि मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों को धान की कीमत 2500 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करेगी। सीएम ने कहा कि समर्थन मूल्य से बढ़ी हुई कीमत का अंतर 685 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान धान उत्पादक किसानों को किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो किसानों की समस्या निधि का जल्द भुगतान करे। अभी तक 18 लाख किसानों को पूरी राशि नहीं मिल पाई है। राजधानी देहरादून के सभी वार्डों में रोशनी की भरपूर व्यवस्था करने की तैयारी नगर निगम ने पूरी कर ली है। अगले कुछ महीनों में नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में बिजली की नई लाइट लगाने जा रही है। इसके लिए बकायदा सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि सभी वार्डों के लिए लगभग 65,000 नए स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है, जिसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और जल्द ही इसका टेंडर नई लाइट लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के कोटद्वार में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम और 26 फरवरी को हल्द्वानी में लालटेन यात्रा पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदर्शन प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट के अनुसार कांग्रेस के लोगों को दिखना बंद हो गया है, इसलिए उन्हें विकास नहीं दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि खुद की पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसे देखने के लिए लालटेन की जरूरत नेताओं को पड़ रही है। यूपी के पीलीभीत जिले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम अपने एक दिवसीय दौरे पर जनपद पीलीभीत पहुंचे, जहां पीलीभीत पहुंचते ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से नरेश उत्तम का स्वागत किया है। स्वागत समारोह के दौरान एक बच्ची चर्चा का विषय बनी रही। बच्ची ने स्वागत समारोह में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को चांदी की साइकिल भेंट करके उनका स्वागत किया है। वहीं अपने एक दिवसीय दौरे पर आए नरेश उत्तम ने 1000 से अधिक लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और तन मन धन के साथ पार्टी को ताकत देने की बात भी कही है। गाजीपुर में उद्योग व्यापार मंडल इकाई का शपथ ग्रहण और व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न और हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही शुक्ला ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आज विषम परिस्थितियों में व्यापारी है और अधिकारी वर्ग सत्ता में बैठे लोगों की भी बात नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी व्यापारियों के साथ हो रही घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं है। हमीरपुर जिले में अवैध खनन घोटाले की जांच के लिए सीबीआई ने एक बार फिर मोधाबाद निर्माण खंड के निरीक्षण भवन में आकर कैंप में डेरा डाल दिया। निरीक्षण भवन को सीबीआई के अधिकारियों के लिए कैंप ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। सीबीआई के निर्देश के अनुपालन करने के लिए अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। एक बार फिर अवैध खनन की जांच शुरू होने से मोरंग कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मामले से जुड़े तमाम कारोबारी भूमिगत भी हो गए हैं।
बाराबंकी में क्रिकेट मैच के दौरान हुए पुराने विवाद को लेकर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने 4-5 राउंड फायर किए। इस दौरान युवक को बचाने आए उसके चाचा को भी गोली लग गई। भीड़ के बीच हमलावर बाजार में दहशत फैलाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग निकले। वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने बंकी चौकी का घेराव कर लिया। जिला अस्पताल में भी लोगों ने हंगामा काटा है। घायल युवक को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हरदोई जिले में लखनऊ में तमाम एक महिला सिपाही द्वारा नुमाइश में ड्यूटी पर तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल और होमगार्ड की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 23 फरवरी का बताया जा रहा है। महिला सिपाही अपने माता और पिता के साथ नुमाइश देखने गई थी, जहां मौत के कुएं को फ्री में देखने को लेकर ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी और महिला होमगार्ड से विवाद हो गया, जिसके बाद महिला सिपाही और उसके परिवार ने ड्यूटी पर तैनात महिला हेड कांस्टेबल और होमगार्ड की पिटाई कर दी। अमरोहा में एक जीजा ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। ससुराल की संपत्ति हथियाने के लिए जीजा ने मासूम साले और साली का अपहरण कर लिया और अदमपुर थाना क्षेत्र में कीकर के जंगल में ले गया, जहां साली के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई भी की है, गला दबाकर हत्या की कोशिश भी की गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ससुराल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बागपत के थाना सिंगावली अहीर इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में दो तस्करों के पैर में गोली लग गई, जिसमें वो घायल हो गए, जबकि एक गौ तस्कर कॉम्बिंग कर जंगल से पकड़ लिया गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी से दो गोवांश बरामद किए हैं, साथ ही बड़ी संख्या में नशे के इंजेक्शन और कटान में इस्तेमाल हथियार समेत दो तमंचे भी बरामद किए हैं। बीजेपी विधायक रजनीकांत मनी त्रिपाठी के घर चढ़कर असलहा लहराने की घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विधायक के घर धमकी देने के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। आरोपी के पास से देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आरोपी नितेश तिवारी कसिया थाना कनखोरिया गाँव का रहने वाला था। मुरादाबाद में लेखपाल के घर हथियार लेकर बदमाश घुस गए। परिजनों को हथियारों के बल पर काबू में कर लिया गया, लेकिन पड़ोसियों के आने पर बदमाश बाइक से फरार हो गए। भागने के दौरान फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। पीड़ित के मुताबिक गलत घर में घुसने की बात कहकर बदमाश वापस चले गए। बदमाशों के घर से घुसने से पीड़ित परिवार दहशत में है। कानपुर के कुतवाली थाना क्षेत्र के बड़े चौराहे पर दो युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। छोटू पंडित और साथी लकी तिवारी गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन में एक नाबालिग संग दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक ने तमंचे के दम पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित ने परिजन संग पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ाने के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ब्रिज के पास से पुलिस ने तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने मासूम को किडनैप कर उसके परिवार वालों से 10 लाख की फिरौती भी मांगी थी। कानपुर में अज्ञात बच्चे का शव मिलने से सनसनी मच गई। पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर में अज्ञात बच्चे का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंचकर शव के शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्ती में एसटीएफ ने मुठभेड़ में फिरोज पठान को मार गिराया है। आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड के मास्टरमाइंड फिरोज पठान पर 1 लाख रुपए का इनाम था। लालगंज थाना के महादेवा रोड के पास हुई मुठभेड़ में एसटीएफ का सिपाही इमरान भी घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश फिरोज पठान के पास से पिस्टल कट्टा कार्बाइन बरामद किए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने मुठभेड़ करने वाली टीम को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है।
रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मामले ने तुल पकड़ लिया। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। महिलाओं ने हाथों में डंडा लेकर खूब बवाल काटा है। मारपीट का वीडियो मोबाइल में कैद हो गया। जलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कन्हा गाँव की यह घटना बताई जा रही है। एक तेज रफ्तार कार नैनीताल की भीमताल झील में समा गई। जैसे ही इसकी खबर पुलिस तक पहुंची तो एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई। कार की खोज की जा रही है। फिलहाल कार का कोई पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि भीमताल के हर शिखर होटल कल्लीताल के पास एक तेज रफ्तार टैक्सी वाहन झील के अंदर जा घुसी। कार में चार लोग थे। राहत बचाव टीम द्वारा झील के अंदर गिरे वाहन का पता लगाया जा रहा है। झांसी में पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना गरौठा का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में नशे में धुत लड़की ने बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। बॉयफ्रेंड से लड़ाई होने के बाद युवती ने बीच सड़क पर जमकर बवाल काटा है। जब घटना की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन नशे में धुत युवती पुलिस से भी भिड़ गई। लोहिया पार्क चौराहे की घटना बताई जा रही है। देर रात नशे में धुत बीच सड़क पर हंगामा करती रही लड़की। लड़की के परिजनों से पुलिस संपर्क कर पुलिस ने परिजनों को युवती को सौंप दिया है। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। झूलते तारों की वजह से गन्ने के खेत में आग लग गई है, जिससे देखते ही देखते कई एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई, जिसके बाद बिजली विभाग को सूचना दी गई है। फतेहपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा ने एक अनूठी पहल की है। जिलाध्यक्ष चुने जाने के बाद पहले नगरागम पर पहनाए गए चांदी के मुकुट को गलवाकर इन्होंने प्राथमिक स्कूल की बच्चियों के लिए पायल बनवाई और उसे सोमवार को विद्यालय परिसर में पहुंचकर खुद उन्हें पहनाया है। शहर के कलेक्टरगंज मोहल्ले के रहने वाले आशीष मिश्रा ने प्राथमिक विद्यालय बजनपुर प्रथम को गोद ले रखा है। यहां अक्सर पहुंचकर वो बच्चों की मदद करते रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने बच्चों को जो उपहार उनके पैरों में पायल पहनाकर दिया है वो यादगार बन गया है। पायल पहनाकर गरीब बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। बरेली के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ रही छात्रा साफिया जावेद ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर अपने हाई स्कूल के एग्जाम देने जा रही है। लंबी बीमारी के चलते छात्रा को डॉक्टर ने 24 घंटे ऑक्सीजन के सहारे ही रहने की सलाह दी है। साफिया जावेद पिछले 5 सालों से इस बीमारी से जूझ रही है, जिसके चलते उन्हें फेफड़ों की परेशानी के साथ साथ टीबी की बीमारी भी हो गई है। फेफड़े कमजोर होने के चलते छात्रा ठीक से सांस भी नहीं ले पाती है। फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 11 का फिनाले एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। संगीत के इस महासंग्राम में 5 बचे हुए फाइनलिस्ट में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि शो में बाजी सनी हिंदुस्तानी ने मार ली है। सनी हिंदुस्तानी को इंडियन आइडल 11 की चमचमाती ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए का इनाम भी मिला है। शो के फिनाले में कंटेस्टेंट्स का परिवार भी मौजूद था। वहीं शो के पहले रनर अप रोहित रावत और दूसरे रनर अप ओंकना मुखर्जी रहे। इंडियन आइडल में दोनों रनर अप को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। साल 2018 में परिवार में हुई एक शादी में शामिल होने के लिए श्रीदेवी दुबई गई थी, जहां होटल के बाथटब में उन्होंने दम तोड़ दिया था। श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री शोक में था। श्रीदेवी की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनकी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर ने एक फोटो शेयर की है, जो कि उनके बचपन की है। जाह्नवी कपूर फोटो शेयर करते हुए लिखती है कि माँ, मैं आपको रोज बहुत याद करती हूँ। इससे पहले भी जाह्नवी अपने सोशल मीडिया पर श्रीदेवी के साथ कई फैमिली फोटो शेयर कर चुकी है।